महाराष्ट्र और बिहार की सियासत में इस समय बड़ी आग है। नमस्कार, सियासी नुक्ता विद मुक्ता में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं मुक्ता सिंह। लोकसभा चुनाव में विपक्ष सबसे ज्यादा उम्मीद महाराष्ट्र और बिहार से लगा रहा है, लेकिन दोनों राज्यों में इंडिया गठबंधन का गणित गड़बड़ाता दिख रहा है। कैसे, आइए आपको बताते हैं। महाराष्ट्र की 48 और बिहार की 40 लोकसभा सीटें, विपक्ष को लग रहा है कि यही दो राज्य हैं जहां से मोदी का विजय रथ रोका जा सकता है। मोदी के 400 पार के टारगेट को चुनौती दी जा सकती है, लेकिन दोनों राज्यों में विपक्ष के बीच सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। दोनों राज्यों में विपक्ष के बड़े नेताओं जैसे शरद पवार, उद्धव ठाकरे और लालू यादव की साख दांव पर लगी है। इस चुनाव से इन तीनों नेताओं ही नहीं, तीनों पार्टियों की आगे की राह तय होने वाली है। लेकिन मुश्किल की इस घड़ी में इन तीनों नेताओं की दिक्कतें हल होती नहीं दिख रही है। अब आप महाराष्ट्र को ही लीजिए, जहां शरद पवार, उद्धव ठाकरे और कांग्रेस में गठबंधन है, लेकिन उद्धव और कांग्रेस की बेचैनी ने शरद पवार की मुश्किल बढ़ा दी है। शिवसेना ने 17 उम्मीदवारों की लिस्ट जारी कर दी, वो भी गठबंधन के दूसरे दलों के साथ नहीं बल्कि अकेले अकेले। इससे कांग्रेस के नेता ही नहीं, शरद पवार भी नाराज बताए जा रहे हैं। शिवसेना ने मुंबई दक्षिण मध्य लोकसभा सीट से अनिल देसाई को टिकट दिया है। इसके अलावा मुंबई दक्षिण से अरविंद सावंत को उम्मीदवार बनाया है। महाराष्ट्र की 48 सीटों पर 5 चरणों में मतदान होना है। शिवसेना ने अभी महाराष्ट्र की 17 लोकसभा सीटों पर प्रत्याशियों के नाम का ऐलान किया है। 5 सीटों पर ऐलान बाद में किया जाएगा। महाराष्ट्र में पहले चरण में 19 अप्रैल को 5 सीटों पर मतदान होगा। शिवसेना की पहली लिस्ट जारी होने के साथ ही महाविकास आघाड़ी में मतभेद गहराने लगे हैं। कांग्रेस नेता संजय निरुपम मुंबई उत्तर पश्चिम से चुनाव लड़ना चाहते थे, लेकिन बंटवारे में ये सीट शिवसेना को मिल गई। इसके बाद संजय निरुपम कांग्रेस पर जमकर बरस रहे हैं। संजय निरुपम ने कहा है कि वो एक हफ्ते का इंतजार करेंगे, इसके बाद कोई फैसला लेंगे। निरुपम ने कहा कि वो मुंबई उत्तर पश्चिम से चुनाव जरूर लड़ेंगे। शिवसेना उबाठा ने जिस तरीके से मनमाने ढंग से मुंबई की 6 में से 4 लोकसभा सीटों के उम्मीदवार घोषित किए हैं, और मुझे जो जानकारी मिली है उसके हिसाब से 5वीं सीट यानी उत्तर मुंबई का भी कैंडिडेट वो कल परसों घोषित करने जा रहे हैं। इससे कांग्रेस के कैडर में भयंकर नाराजगी है। कांग्रेस का नेतृत्व जो मुंबई का है वो बहुत ही चिढ़ा हुआ है, और उसकी वजह से कांग्रेस का जो वोटर है वो भी नाराज रहेगा। ऐसे में सबसे पहले मैं तो अपने शीर्ष नेतृत्व से ये मांग करूंगा कि निश्चित तौर पर कांग्रेस की और शिवसेना के इस फैसले के खिलाफ उनको एक भूमिका लेनी चाहिए। दूसरी बात यह है कि शिवसेना ने जो उत्तर पश्चिम मुंबई में, जहां से मैं दावेदारी मजबूती के साथ करके खड़ा था, वहां से जो उम्मीदवार दिया गया था वो व्यक्ति कोविड के जमाने में जो माइग्रेंट लेबर्स थे मुंबई के, उनके लिए जो एक मुफ्त भोजन खिचड़ी खिलाने का जो स्कीम था, उस स्कीम में उसने दलाली खाई है कॉन्ट्रैक्टर से, सप्लायरों से। ये मैं नहीं कह रहा हूं, इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट इसकी जांच कर रही है, और मैंने सुना है कि आज भी ईडी की तरफ से उसको समन भेजा गया है। तो ऐसे खिचड़ी चोर को शिवसेना जबरदस्ती उम्मीदवार बना रही है, उससे कांग्रेस के लोगों का मन बहुत आहत है। मैं भी नाराज हूं। साल 2019 के लोकसभा चुनावों के बाद से महाराष्ट्र में राजनीतिक परिदृश्य काफी बदल गया है। 2019 का चुनाव बीजेपी और शिवसेना ने साथ मिलकर लड़ा था, लेकिन अब शिवसेना दो फाड़ हो चुकी है। सीएम एकनाथ शिंदे वाली शिवसेना पूरी ताकत से चुनाव लड़ रही है। अब तो अभिनेता गोविंदा भी शिंदे की पार्टी में शामिल हो गए हैं। वहीं बीजेपी में अमरावती की निर्दलीय सांसद नवनीत राणा, नवनीत को बीजेपी ने टिकट दे दिया है। बीजेपी और शिंदे वाली शिवसेना के पास जहां सितारों और पुराने नेताओं की फौज है, वहीं विपक्ष का गठबंधन शरद पवार और उद्धव के दम पर चुनाव मैदान में है। फिर भी महाविकास आघाड़ी और सत्तारूढ़ दल गठबंधन के बीच सीधी टक्कर होनी है। शिवसेना और एनसीपी में विभाजन के बाद हो रहे लोकसभा चुनाव में पवार और ठाकरे की जमीनी फाड़ की परीक्षा होनी है। शिवसेना और एनसीपी में विभाजन होने से कई बड़े और दिग्गज नेताओं ने पाला बदला है। ऐसा होने से शहरों में किसकी जमीन कितनी मजबूत है, इसका वास्तविक आकलन इस चुनाव में होना है। लेकिन जिस तरह एमवीए के नेता आपसी मतभेद नहीं सुलझा पा रहे हैं, उससे एमवीए की दिक्कत बढ़ सकती है। महाराष्ट्र की सांगली सीट को ही लीजिए, जहां कांग्रेस और शिवसेना अपने अपने दावे ठोक रहे हैं। ऐसा ही हाल भिवंडी सीट को लेकर है, जहां एनसीपी और कांग्रेस के बीच एक राय नहीं बन पा रही है।
उत्तर प्रदेश के बाद महाराष्ट्र दूसरा अहम राज्य है जहां सबसे ज्यादा 48 सीटें हैं। दोनों गठबंधन के लिए यहां की एक एक सीट मायने रखती है। लोकसभा चुनाव उद्धव ठाकरे और शरद पवार के लिए इसलिए महत्वपूर्ण माने जा रहे हैं क्योंकि एनसीपी और शिवसेना में विभाजन के बाद पहली बार असली और नकली की पहचान जनता की अदालत में होने जा रही है। चुनाव नतीजे से दोनों की ताकत का पता चलेगा। महाराष्ट्र की महाविकास आघाड़ी के नेता आपसी विवाद कैसे सुलझाते हैं, इस पर पूरे विपक्षी नेताओं की उम्मीद टिकी हुई है। महाराष्ट्र की तरह बिहार में भी महागठबंधन के नेता आपस में लड़ रहे हैं। लालू यादव अपनी चालें चल रहे हैं। बिहार की पूर्णिया लोकसभा सीट का हाल देखिए। पिछले हफ्ते जन अधिकार पार्टी के अध्यक्ष और पूर्व सांसद पप्पू यादव ने अपनी पार्टी का कांग्रेस में विलय किया, आजीवन कांग्रेस में रहने की कसमें खाई। राहुल गांधी से लेकर लालू यादव तक का गुणगान किया। उन्हें उम्मीद थी कि महागठबंधन उन्हें पूर्णिया से टिकट दे देगा, लेकिन ये क्या, जेडीयू छोड़कर आरजेडी में आई बीमा भारती को लालू यादव ने पूर्णिया से उम्मीदवार बना दिया, वो भी अपने साथियों से सलाह मशवरा किए बगैर। जनता दल यूनाइटेड छोड़कर हाल ही में राष्ट्रीय जनता दल में शामिल हुई बीमा भारती दावा कर रही है कि पूर्णिया लोकसभा क्षेत्र से महागठबंधन ने उन्हें प्रत्याशी बनाया है। हालांकि राष्ट्रीय जनता दल की ओर से इस पर कोई अभी आधिकारिक घोषणा नहीं की गई है। बीमा भारती 23 मार्च को नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू को छोड़कर आरजेडी में शामिल हुई थी। वो बिहार सरकार में मंत्री भी रह चुकी हैं। बीमा भारती लालू और तेजस्वी का धन्यवाद ज्ञापन कर रही हैं, लेकिन कांग्रेस के नेता इस पर मौन हैं। महाराष्ट्र की कई सीटों की तरह यहां भी पेच है कि अगर बीमा भारती को आरजेडी उम्मीदवार बना देती है तो फिर पप्पू यादव का क्या होगा। आरजेडी के ऐलान के बाद पप्पू यादव कह रहे हैं कि पूरी दुनिया एक तरफ हो जाएगी तब भी हम पूर्णिया से अलग नहीं होंगे और न ही दूर जाएंगे। दुनिया छोड़ देंगे, पूर्णिया नहीं छोड़ेंगे। मैं पूर्णिया का बेटा हूँ। पूर्णिया से अलग होने का मतलब पूर्णिया से अलग होने का कोई मैं मेरे जहन में मेरे खून में मैं सोच ही नहीं सकता। कांग्रेस यदि निर्णय लेगी मैं समझता हूँ दुनिया का ये नंबर वन निर्णय होगा। अब कांग्रेस को तय करने दीजिए, कांग्रेस को अपना जीवन समर्पित। महाराष्ट्र और बिहार के ये कुछ ऐसे उदाहरण हैं जो साफ संकेत दे रहे हैं कि विपक्ष में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। दूसरी तरफ मोदी और बीजेपी पूरी ताकत से चुनाव मैदान में उतर चुके हैं। अगर विपक्ष के नेता आपस में ही लड़ते रहे तो बीजेपी का मुकाबला कैसे कर पाएंगे। सियासी हलचल पर बिहार और महाराष्ट्र से लेकर दूसरे राज्यों का अपडेट हम आपको आगे भी बताते रहेंगे। फिलहाल के शो में बस इतना ही। बाकी खबरों के लिए देखते रहिए श्रेष्ठ भारत।